जदीद सफरी सहूलत का मेगा प्रोजेक्ट बस रैपिड ट्रांजिट के कॉरिडोर पर चलने वाली बसों की सफाई और चमक दमक बरकरार रखने का इंतजाम कर लिया गया। पिशावर के इलाका चमकनी में वाकई मेन बस डिपो में जर्मनी से ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट मंगवाकर नस्ब कर दिया गया है। इस सर्विस स्टेशन में एक बस की धुलाई और सफाई पर 1 से 3 मिनट लगेंगे, जिसमे बॉडी वॉश और मुकम्मल सर्विस भी शामिल है। इसकी जो वॉशिंग स्पीड है, दैट इज बेसिकली द मेन थिंग। इसमें जो स्टैंड अलोन सिस्टम है, ये अभी गेंट्री वॉश चल रहा है, फुल वॉश सिस्टम। उसमें जो है, अगर आप स्टैंड सिस्टम पे जाएंगे तो ये 1 मिनट में, यानी कि 60 सेकंड्स में, ये एक पूरी बस आपकी धोएगा 18 मीटर्स वाली। और ये वाली जो बसेज हैं, ये 36 सेकंड्स के अंदर ये आराम से धोएगा इसको। इंतजामिया के मुताबिक वॉशिंग प्लांट में इस्तेमाल होने वाला 80 से 85% पानी दोबारा काबिल इस्तेमाल होगा और वॉशिंग प्लांट माहौल दोस्त भी है। ये जितना आप देख रहे हैं पानी जो जा रहा है, ये वेस्ट नहीं हो रहा। 80% पानी इसका जो है वो रिसाइकल होकर वापस प्लांट के अंदर चला जाता है। So it is a complete solution. इंतजामे के मुताबिक ऑटोमेटिक सर्विस स्टेशन चलाने के लिए मुलाजमीन की तरबियत का भी इंतजाम किया जाएगा। BRT कॉरिडोर पर बसें कब चलेंगी इसका तो इल्म नहीं, लेकिन इन बसों की धुलाई और सफाई के लिए आलमी मायार का सर्विस स्टेशन बिल्कुल तैयार है। कैमरामैन अजमल खान के साथ रहम यूसुफ़ज़ई, 92 न्यूज़, पिशावर।